लाठी गोली बम बारूद की बात नहीं है। सबके पूर्वज सनातनी वैदिक आर्य हिंदू ही सिद्ध होते हैं। मोहम्मद साहब के पूर्वज कौन थे, ईसा मसीह जी के पूर्वज कौन थे, सबके पूर्वज सनातनी वैदिक आर्य हिंदू ही सिद्ध होते हैं। ऐसी स्थिति में अपने पूर्वजों को पहचानना, उनके मार्ग पर चलना आवश्यक है। और पूर्वज भी ऐसे जो सब प्रकार की विद्या और कला से संपन्न थे, जिनका जीवन अत्यंत उदात्त था, देवता भी उनके जीवन से प्रेरित होते थे। यही हिंदू राष्ट्र की संकल्पना के पीछे उद्देश्य है। सब अपने पूर्वजों को पहचाने, उनके मार्ग पर चलकर अपने जीवन का सबके हित में उपयोग और विनियोग करें। गुरु जी, देश की जो समस्या है, गुरु जी इधर आपके दाएं पर। हाँ, शिक्षा रक्षा अर्थ और सेवा का प्रक्रम सर्वोत्कृष्ट होगा, उन्नत होगा। ये जो चुनाव की प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया के आधार पर तो स्वस्थ शासन प्राप्त होना ही कठिन। कल्पना कीजिए, कोई व्यक्ति MLA MP के लिए टिकट चाहता है, पहले तो पार्टी को डोनेशन या दान दे, उसके बाद कुछ अराजक तत्व से गठबंधन करे कि करोड़ों रुपया न्योछावर करके चुनाव लड़े। अगर जीत गया तो जीत गया, हार गया तो रोता रहेगा। अगर जीत गया तो जितना खर्च उसने किया है और आगे भी उसको फिर चुनाव लड़ना है, उतने तो समाज से लूटेगा ही। चुनाव की प्रक्रिया को देखते हुए कोई भी व्यक्ति शोषक न हो, न चाहते हुए भी शोषक होना ही पड़ेगा। चुनाव की प्रक्रिया ही बहुत दूषित है, गलत है। सज्जन सूझबूझ संपन्न व्यक्ति हो सकता है चुनाव लड़े ही नहीं, आर्थिक संकोच आदि के कारण। लड़े तो जीते नहीं, अराजक तत्व तो जीते बिना रह नहीं सकते हम। चुनाव की जो प्रक्रिया, उससे तो देश का उत्कर्ष हो ही नहीं सकता। साथ ही साथ हमने यह भी संकेत किया कि प्रतिभा की हानि, प्रगति की हानि, प्रायोगिक नहीं, ये जो आरक्षण है। हमने मेरठ में जब हम शंकराचार्य नहीं थे तब हमने कहा था, BP सिंह सर प्रधानमंत्री थे, उनके शासन काल में ही आरक्षण की प्रथा क्रियान्वित की गई। हमने कहा कि सनातन धर्मियों के यहाँ तो हर व्यक्ति की जीविका जन सुरक्षित है, हमें आरक्षण की क्या जरूरत है। हर व्यक्ति की जीविका जन से सुरक्षित, हर व्यक्ति का जीवन व्यसन मुक्त। बीपी सिंह ने जो आरक्षण की प्रथा चलाई, न चाहते हुए भी हम लोगों को अनुगमन करना पड़ रहा है। इसमें कितने दोष हैं, 5 दोष हैं। प्रतिभा की हानि, प्रगति की हानि, प्रायोगिक नहीं, प्रतिशोध की भावना और परतंत्रता, ये सब ऐसी चुनौतियाँ हैं जिनको दूर करने के लिए सचमुच में शासन तंत्र का जो स्वरूप होना चाहिए उसको उपासित करना अत्यंत आवश्यक है। हमारी संस्कृति पर, हमारे इतिहास पर पानी फेरने वाला आदिवासी शब्द है, उसको हटाना चाहिए। मेरे कहने पर, बोलने पर दलित शब्द हट गया, यानी दलित शब्द किसने दिया था, मायावती ने। दलित बने रौंदा हुआ, हमने कहा ये हमारा शब्द है क्या। वेदादि शास्त्रों में कहीं दलित शब्द किसी वर्ग के लिए कहा गया क्या। अंत्यल माने छोटा भाई, अग्रज माने बड़ा भाई, लाड प्यार का शब्द था अंत्यल। हमारे आपत्ति पर हो गया ना, वो दलित शब्द हट गया। इसी प्रकार में कहता हूँ आदिवासी, क्यों आदिवासी व्यास वर्षी इत्यादि नहीं थे क्या, ब्रह्मा जी आदिवासी नहीं थे क्या, और सप्तर्षि आदिवासी नहीं थे क्या, मरीचि इत्यादि आदिवासी नहीं थे क्या। आदिवासी शब्द भी हटना चाहिए, ये भी ब्राह्मण इतिहास को कलंकित करने वाला है।